हेलो स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन के आगे के कुछ इलस्ट्रेशंस, जिसमें हम सबसे पहले कर रहे हैं इलस्ट्रेशन नंबर 11, जिसमें क्या दिया हुआ है कि 5 कार्ड्स आर ड्रॉन विद रिप्लेसमेंट फ्रॉम अ पैक ऑफ कार्ड्स। 5 कार्ड्स निकाले हैं एक पैक ऑफ कार्ड्स में से, और प्रोबेबिलिटी हमसे अलग अलग पूछी गई हैं हार्ट कार्ड्स की। तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि हमारे पास स्मॉल एन क्या होगा यहाँ पर, 5, क्योंकि हमने पैक ऑफ कार्ड्स में से कितने कार्ड्स निकाले हैं, 5। एंड हार्ट कार्ड की प्रोबेबिलिटी, हार्ट कितने होते हैं, 13, और टोटल कार्ड्स आपके 52, तो आपका प्रोबेबिलिटी कितना हो गया, 1/4। और क्यू आपका कितना हो जाएगा, 1 - 1/4, 3/4। ऐसे ही इसमें अलग अलग प्रोबेबिलिटीज आपकी निकल सकती हैं, जैसे हमने पिछले इलस्ट्रेशन में निकाली थी। फर्स्ट पार्ट में ये पूछ रहा है कि फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ हैविंग नन हार्ड कार्ड, उसको कोई भी हार्ड कार्ड नहीं चाहिए, तो आपका प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगा, 5C0। आपको आर क्या चाहिए, 0, क्योंकि कोई हार्ड कार्ड आपका नहीं होना चाहिए, तो 5C0, P^0 एंड Q^5 आ सकता है इजीली आंसर। वैल्यूज आपके पास है, 5C0 को आप कैलकुलेट कर सकते हैं, पी का वैल्यू 1/4 है और क्यू का वैल्यू 3/4। सेकेंड प्रोबेबिलिटी मांग रहा है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ हैविंग ऑल द हार्ड कार्ड्स, ऑल मतलब 5 के 5 आपके क्या आने चाहिए हार्ड कार्ड्स, तो 5C5, P5 एंड Q0 करके आप निकाल सकते हैं। सी पॉइंट में कह रहा है लेस देन 3, अब लेस देन 3 में कौन कौन से पॉइंट्स आएंगे, 2, 1 एंड 0, तो 0 का हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं, उसमें 5C0 वाला भी आ जाएगा, प्लस 5C1 वाला एंड 5C2 वाला, इसमें पी और क्यू की वैल्यूज आप डाल सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट इसमें ये पूछ रहा है कि मोर देन 2 हार्ड कार्ड्स, अब मोर देन 2 में आप कौन कौन सी वैल्यूज लेंगे, मोर देन 2 में आपका आएगा 3 वाला केस, 4 वाला केस एंड 5 वाला केस, क्योंकि टोटल कार्ड जो आपके निकालने हैं वो कितने हैं, 5, तो 3, 4 एंड 5। तो ऐसे ही सेम 5C3, P3, Q2, प्लस 5C4, P4, Q1 एंड 5C5, P5 एंड Q0, ये तीनों वैल्यूज आप निकाल कर अपना आंसर निकाल सकते हैं। और लास्ट पॉइंट इसमें दे रहा है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ हैविंग एट द मोस्ट 1 हार्ड कार्ड, एट द मोस्ट में हमने बात की थी कि हम पीछे आते हैं, तो एट द मोस्ट 1 में 1 वाला पॉइंट आएगा एंड 0 वाला आएगा, तो 5C1, P1, Q4, प्लस 5C0, P0 एंड Q5, ये दोनों वैल्यूज आप निकाल कर अपना आंसर निकाल सकते हैं। इस तरह से हम इस तरह की सारी इलस्ट्रेशंस कर सकते हैं। अब नेक्स्ट टॉपिक आता है आपका कॉन्स्टेंट्स ऑफ बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। आप देखें आगे आपके चैप्टर में ये मिल जाएगा, कॉन्स्टेंट्स ऑफ बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, जिसमें आपने कॉन्स्टेंट्स निकालने हैं बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन के। कॉन्स्टेंट्स यानी मीन, स्टैंडर्ड डेविएशन, वेरिएंस, मोमेंट एक्सेट्रा। तो वो हम किस बेस पर निकालेंगे, क्योंकि हमारे पास बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन में जो वैल्यूज़ गिवन हैं वो कौन सी हैं, एन, पी एंड क्यू, तो इन्हीं तीन वैल्यूज़ के बेस पर आप बाकी सारे कॉन्स्टेंट्स निकाल सकते हैं। जैसे सबसे पहला है आपके पास मीन, मीन का फॉर्मूला है एन इंटू पी, नंबर ऑफ आइटम्स एंड प्रोबेबिलिटी। सेम केस में स्टैंडर्ड डेविएशन, एन पी क्यू एंड स्क्वायर रूट। वेरिएंस निकालेंगे तो वेरिएंस क्या होता है, स्टैंडर्ड डेविएशन का स्क्वायर, तो स्क्वायर कर देंगे इसको, तो स्क्वायर रूट हट जाएगा एंड आपकी वैल्यू आ जाएगी एन पी क्यू। इसी तरह से मोमेंट्स भी आप कैलकुलेट कर सकते हैं, आपको पता है मोमेंट्स कितने होते हैं, 4 होते हैं, μ1, μ2, μ3 एंड μ4, तो चारों मोमेंट्स आप इससे निकाल सकते हैं। और अब हमें ये भी मालूम है कि जो मोमेंट फर्स्ट होता है वो हमेशा क्या होता है, 0 होता है, और सेकेंड मोमेंट हमेशा किसके इक्वल होता है, वेरिएंस के, तो वेरिएंस आपने ऊपर कैलकुलेट किया ही है, जो किसके इक्वल है, एन पी क्यू के। म्यू थ्री का फॉर्मूला आपका बनेगा एन पी क्यू इंटू क्यू माइनस पी, एंड म्यू फोर का जो फॉर्मूला है वो भी आपका दिया हुआ है 3n² p² q² प्लस एन पी क्यू इंटू 1 - 6 pq। इस तरह से ये फॉर्मूलेज आप याद कर सकते हैं, और एन पी क्यू की हेल्प से सारे कॉन्स्टेंट्स आप निकाल सकते हैं। इसी कैटेगरी में आपके पास आगे β1, β2, गामा एटसेट्रा फॉर्मूले दिए हुए हैं, तो वो इजीली आप निकाल सकते हैं, क्योंकि हमने ऑलरेडी मोमेंट्स एंड स्क्यूनेस के चैप्टर में पढ़ लिया है कि β1 का फॉर्मूला क्या होता है, μ3² / μ2³, और μ3 एंड μ2 हम यहाँ निकाल चुके हैं, तो यहाँ की वैल्यूज़ आप वहाँ पुट कर निकाल सकते हैं। सिमिलरली β2 का फॉर्मूला μ4² / μ2² दिया हुआ है, तो μ4 भी आपके पास यहाँ है और μ2 भी यहाँ है, तो μ4 की वैल्यू को μ2 के स्क्वायर की वैल्यू से डिवाइड कर सकते हैं। तो इस तरह से आप इन कॉन्स्टेंट्स को कैलकुलेट कर सकते हैं। इन्हीं कॉन्स्टेंट से रिलेटेड एक इलस्ट्रेशन है हमारे पास, जो 2 मार्क्स में काफ़ी बार आ चुका है।
20th इलस्ट्रेशन जिसमें आपके पास क्या दिया हुआ है कि मीन एंड स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ अ बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन आर, मीन कितना दिया हुआ है 10 एंड स्टैंडर्ड डेविएशन कितना दिया हुआ है 5, और कहा गया है कि टेस्ट द वैलिडिटी ऑफ द स्टेटमेंट। तो आपको इस स्टेटमेंट की वैलिडिटी चेक करनी है। वैलिडिटी मीन्स कि आपको ये देखना है कि ये जो दो वैल्यूज़ दी गई है क्या ये करेक्ट है या नहीं, ये स्टेटमेंट सही है या नहीं। तो उसको देखने के लिए हमें फॉर्मूले लगाने पड़ेंगे कि मीन का फॉर्मूला क्या है, एन पी। अभी हमने देखा मीन का फॉर्मूला है एन पी, तो एन पी आपके पास किसके इक्वल दिया हुआ है 10 के इक्वल, और स्टैंडर्ड डेविएशन का फॉर्मूला क्या है स्क्वायर रूट ऑफ एन पी क्यू इज इक्वल टू 5। ये वैल्यूज़ भी नहीं, अब इस जो फॉर्मूला है इसको हम कर देंगे स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स, दोनों साइड पर आप स्क्वायरिंग कर देंगे, तो ये क्या बन जाएगा आपका एन पी क्यू स्क्वायर रूट हट गया और ये 5 का स्क्वायर 25 हो गया। एन पी की वैल्यू कितनी दी हुई है 10, तो यहाँ आप एन पी की वैल्यू 10 पुट कर सकते हैं, तो 10 क्यू इज इक्वल टू 25, और यहाँ से आपकी क्यू की वैल्यू आ जाएगी 2.5। 25 को 10 से आपने डिवाइड कर दिया, वैल्यू आ गई 2.5, जबकि हमने पढ़ा हुआ है कि P प्लस क्यू इज इक्वल टू 1। इट मीन्स कि कोई भी वैल्यू P या Q की कोई भी वैल्यू 1 से ज़्यादा नहीं हो सकती, और यहाँ हमारे पास जो Q की वैल्यू आ रही है वो 2.5 आ रही है, इसीलिए हम कहेंगे कि ये स्टेटमेंट सही नहीं है, या तो मीन की वैल्यू गलत है और या फिर स्टैंडर्ड डेविएशन की वैल्यू यहाँ पर गलत दी गई है।